ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਕਸਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲ ਕੱਢੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾਬ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਾਣੀਆਂ। ਲੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਓ, ਲੰਡਾ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਗਰ ਸੜਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਮਕਸਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, नहीं बैठेंगे तो ऑक्शन नहीं होगी ना जी। वो क्या करता है, शक्कर से 4-5 बंदे ले आता है, जो सिंध के जो बोलने वाले हैं वो ले आता है, आके ऑक्शन शुरू कर देता है। अब एक ये थड़ा है, जितने भी साइज है, 2x2 है, 10x10 है, उसमें जो है उसका पहले किराया ले रहा है वो 1200 रुपया एक थड़े का। अब आके वो बोले मैंने 6000 लेना है, कोई ये कोई ख्वाजा साहब का रूल तो नहीं है, या आप 10% बढ़ाए, 20% बढ़ाए, 30% बढ़ाए, जो भी देखे ना ये चीजें हैं करनी है। कि एक तो जो ऑप्शन होनी है उसका लोकल्स का वो देखा है। बिल्कुल, ये दूसरा जो किराया है तो वो मुनासिब का अपना शेड्यूल होता है। हाँ जी, सर शेड्यूल भी तो कोई टीएमए के, अगर टीएमए के भी खड़े हैं फ्रंट पे कर दे 6 महीने ले, उसको मजा ना डल कर लेते ना कल पहले। हां बोले करे बात करे, टीएमए को आप छोड़, टीएमए रेलवे का हिस्सा तो नहीं है या रेलवे टीएमए का हिस्सा नहीं है? जगह तो दोनों की इकट्ठी है ना, वो हालांकि टीएमए के फ्रंट पे है, ये बैक पे खड़ा है। कल सुन ला, मेरे कल हर महकमे के हल कर दे, हल हल कर दे से पूछें कि इन्होंने कोई अपनी पॉलिसी बनाने के लिए रेलवे से डिस्कस की है नहीं किया ना? इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है भाई जान। ये सारी रात ऐसे हालात थे कि जो जिनके पास 20 लाख का माल था ना वो भी 0 पे आकर, इसका 5 लाख वो भी 0 पे आ गया। नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये हालात हमारे पास नहीं है, अगर वफाकी गवर्नमेंट करे या पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है को फंड को, ये कोई ये थोड़ी सी मेहरबानी आप करें कुछ भी कर। उसके अलावा ये है, कोई नहीं कह सकता कि पिछली दफा भी मैंने बहुत कोशिश की, कोशिश कर रही है आपने, मुझे अगर वो मुस्तफा ने दिए थे सारे पेपर जो रईस मुनीर ने, दूसरी जो है ना ऑप्शन वाली बात, से ऑप्शन वाली जो बात है ना, ऐसा लीव लेके दे जगह जो है ना प्रॉपर, इसमें उनको लीव लेके दे, बैंक में से ऑप्शन वाली बात, इतना नुकसान हो गया है पता सर के जा रहे हैं हम जाते हैं। हाँ इतना जुबैर भाई, सबसे बड़ी कोशिश है, मैं आपकी सबसे बड़ी कोशिश है कि आपको जो 6 महीने की ऑप्शन होती है वो सरकार साहब कोशिश करके सारे अफसोस कबूल करें। ये बड़ा अफसोस हुआ जी, इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये पहली दफ़ा नहीं, तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है। मैं इस्लामाबाद था उस दिन, मेरी मीटिंग थी और शाम को मैं फारिग हूँ तो फिर मुझे पता चले मैसेज ये आया हुआ था, फिर मुस्तफ़ा का मेरे पास नंबर था और तो किसी का मेरे पास नंबर नहीं था, मुस्तफ़ा से मैंने बात की थी। मैं परसों रात पहुँचा इधर, खर्चा दी थी तो उस वजह से, और ये भी था कि भाई चलो चक्कर भी मैं इधर लगाऊँगा, परसों फिर वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद, वहाँ मैं जाके इंशाल्लाह ख्वाजा साहब से उनसे भी मिलूँगा, वो ना हुए तो सेक्रेटरी जो है रेलवे की उससे मैं मिल के और इंशाल्लाह आपके मसाइल के बारे में बात करूँगा, जो आपका मसला है मुझे बता दें ताकि मैं उसी तफसील के साथ। ये तो तीसरी दफ़ा हो रहा है और पूरा शहर इस चीज़ का गवाह है कि हमें किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, और
آپ کی زیر سایہ میں سمجھ لیں گے دوسری دفعہ تو لون لی تھی حکومت میں ہو رہا ہے لیکن پچھلی دفعہ بھی کچھ نہیں کیا گیا اس دفعہ تو سمجھ لیں کہ جو نقصان ہوا ہے نا وہ بالکل اس کا ہمارے لیے تو ازالہ ہی نہیں ہو سکتا اور وہ 150 گھر اس سے متاثر ہوا ہے ان کے علاوہ جو لڑکے یا مزدور کام کرتے تھے ان دکانوں پہ اس میں سے 70-80 گھرانے تو ایسے ہیں جو فاقہ کشی کی حالت میں ہیں یہ سکھر کی حد تک تو ہمیں اس حد تک یہ ریلیف ملتا ہے یار کوئی کہیں سے نہیں کی جائے گی تو ہم شاید پاؤں پہ کھڑے نہ ہوں تو یہ ہماری خصوصاً عزیز ہے آپ